अभी हम कैरपानी पंचायत से वापस लौट रहे हैं, यहाँ का भौतिक निरीक्षण करके। यहाँ जो बारालिंग में जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर बनाया गया है शौचालय, वहाँ की स्थिति को देखते हुए हमें जब जानकारी प्राप्त हुई तो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमने यहाँ पर वास्तविकता जानी। स्वास्थ्य जो हमारे यहाँ जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर शौचालय के लिए बनाया गया है, वहाँ की भौतिक स्थिति बेहद निंदनीय है। गंदगी का अंबार है, पानी की अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ जो लोग उपयोग कर रहे हैं उस शौचालय को, वहाँ गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। इससे जनता के पैसों में पलीता लगता हुआ नज़र आता है। शासन और प्रशासन को इस शौचालय का भौतिक निरीक्षण करना चाहिए, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, और तत्काल उसमें पानी की उचित व्यवस्था बनाई जाए जिससे माँ ताप्ती सूर्यपुत्री की परिसर में, जहाँ पर स्वच्छता के लिए शौचालय का निर्माण किया गया, सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया है, वहाँ लोग खुले में शौच करने ना जा पाए। आम आदमी पार्टी शासन और प्रशासन के जिले के जिम्मेदार नुमाइंदों से अपील करती है कि जनता के पैसों की बर्बादी मत करिए, और इसका कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन है कि इसका भौतिक निरीक्षण करें, और ये जो लाखों रुपए से निर्मित शौचालय बनाया गया है इस पर पानी आप देख रहे हैं। मैं अजय सोनी, आम आदमी पार्टी जिला बैतूल से जिला अध्यक्ष। अभी वर्तमान में मैं कैरपानी के सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर बारालिंग के एक सार्वजनिक शौचालय के सामने खड़ा हूँ, जो वर्तमान में अभी यहाँ पर निर्माण हुआ है। और यहाँ की वस्तु स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर आदमी को शौच करने के बाद यहाँ पर आदमी को किसी भी प्रकार से पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ व्यक्ति किस तरह से यहाँ पर स्वच्छता बनाए रखेगा, ये एक गंभीर विषय है। शासन और प्रशासन को इस प्रकार की लापरवाही, इस प्रकार से स्वच्छता के मिशन पे पलीता लगाना और शासन की योजनाओं के पैसों को दुरुपयोग करना, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर फ्रेश होने के लिए यहाँ साफ पानी नहीं है, यहाँ व्यवस्था का अभी अभाव है। अभी अधूरा पड़ा शौचालय, जनता को स्वच्छ पानी, व्यवस्थित शौचालय मिले, ऐसी आम आदमी पार्टी शासन और प्रशासन से अपील करती है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग ना किया जाए।